तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप मान लीजिए किसी प्रोग्राम, जागरण कथा या किसी भजन कीर्तन या किसी भी तरीके के लाइव शो में गए हैं और वहाँ पर कोई सिंगर फला सॉन्ग गा रहा है और आपको उस सॉन्ग की म्यूजिक नहीं मालूम है और आप उस सॉन्ग की म्यूजिक की जगह दूसरे सॉन्ग की म्यूजिक बजाना चाहते हैं, तो उसको कैसे बजा सकते हैं, क्या रूल फॉलो होता है, क्या फार्मूला लगता है, आज मैं इस वीडियो में पूरा बताने जा रहा हूँ आपको। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। तो मान लीजिए आप किसी प्रोग्राम में गए हुए हैं और वहाँ पर सिंगर ने आपको स्केल बता दिया कि भाई एफ शार्प माइनर स्केल ले लीजिए, मैं इसी स्केल में सॉन्ग गाने जा रहा हूँ, और आपको उस सॉन्ग का म्यूजिक नहीं मालूम है और आपको उस सॉन्ग की म्यूजिक की जगह दूसरे सॉन्ग की म्यूजिक कैसे बजानी है। तो दूसरे सॉन्ग की जब आप म्यूजिक बजाएंगे तो उसके पहले आपके लिए कुछ रूल फॉलो होता है, कुछ फार्मूला लगता है, तभी आप उस सॉन्ग की म्यूजिक दूसरे सॉन्ग में बजा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिए जो सिंगर सॉन्ग गा रहा है वो मान लीजिए पहला कहरवा ताल में है, और दूसरा वह राग कौन सा है, राग भैरवी है, और तीसरा वह एफ शार्प माइनर स्केल में है। ओके, पहला क्या कहरवा ताल में है, दूसरा राग भैरवी में है, और तीसरा वो एफ शार्प माइनर स्केल में है। और जब आप उस सॉन्ग में दूसरे सॉन्ग की म्यूजिक बजाएंगे तो जो दूसरे सॉन्ग की म्यूजिक है वो भी कहरवा ताल में होनी चाहिए, राग भैरवी में होनी चाहिए, और स्केल भी एफ शार्प माइनर होनी चाहिए, तभी एकदम उसमें मिलेगा, अच्छा लगेगा, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बजा कर भी दिखाता हूँ। तो मैं मान लीजिए नागिन धुन बजाता हूँ, ठीक है, नागिन धुन सबको बहुत पसंद है, सबका प्यारा है नागिन धुन, इसीलिए मैं नागिन धुन चूज़ किया हूँ। तो नागिन धुन बजाऊंगा, उसके बाद मैं एक सॉन्ग की म्यूजिक बजाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। तो नागिन धुन जो है वो कौन से ताल में है, नागिन धुन कहरवा ताल में है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग ने देखा कि जो मैंने नागिन धुन बजाया उसके बाद जो मैंने दूसरे सॉन्ग की म्यूजिक बजाई है वो एकदम मिल रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। इसी तरह आपको भी बजाना है। तो मैंने जो दूसरे सॉन्ग की म्यूजिक बजाई वो कौन सा सॉन्ग था, मेरे रस के कमर। तो मेरे रस के कमर भी, या जो मैंने ये सॉन्ग बजाया जो नागिन धुन बजाई, ये एफ शार्प माइनर स्केल में था और राग भी बिल्कुल सेम था, और इसका जो ताल था कहरवा ही ताल था। तो इसीलिए ये सॉन्ग और ये म्यूजिक के जो ये धुन था नागिन धुन और ये जो म्यूजिक मैंने बजाई, इसीलिए ये दोनों साथ में मेल हो पाया और बैठा अच्छे से। इसी तरह आपको भी बजाना है। तो ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा कि सबसे पहले आपको जो आप कोई सिंगर मान लीजिए सॉन्ग गा रहा है और वो सॉन्ग कोई भी राग में हो, कोई भी ताल में हो और कोई भी स्केल में हो वो, और जब आप दूसरे सॉन्ग की म्यूजिक उसमें बजाएंगे तो जो सॉन्ग का ताल है वो भी सेम होना चाहिए, मिलना चाहिए उससे, और राग भी मिलना चाहिए, और जो वो स्केल है वो भी मिलना चाहिए, तभी वो राग में बैठेगा और अच्छे से बज पाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा,
और अगर आपको ना समझ में आया हो तो फिर से वीडियो को पूरा रिपीट करके देख सकते हैं। और अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे बेल आइकन को ऑल पर प्लेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये हेल्पफुल लगा हो आपको तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।